गाइस अब देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं। तो गाइस ये वाला पॉइंट है रोशिक बिल मिनी जू। यहाँ पर जैसे एक फोटो की एक पॉइंट होता है, आप यहाँ पर आके फोटो खींच सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर एक सामने ब्रिज है, इस ब्रिज पे हम अभी जाएंगे। बहुत सारा भाई टेम्परेचर हाई है, पर बोटिंग वगैरह कुछ कहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं। खुली आँखों से देख लेता हूँ, फुल नज़ारा है। देखो थोड़ा सा पॉज करके जूम करके देख लेना। देख लो 80 से 100 8200 मिलेगा आपको हरी यहाँ पे। गाइस अब देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर की ऐसे कुछ एक सिंबल दिया हुआ है। तो मैं आ चुका हूँ, थोड़ा सा ये पी रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी पी लिया है, मतलब दारू नहीं, जूस लस्सी। थोड़ा सा मिनी जू है वहाँ पे। तो यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ करना मना है, आप नहीं यूज़ कर सकते। गाइस यहाँ पे छोटा सा एक केज है, पता नहीं इसके अंदर क्या है। पल वाला वाइब्स तो नहीं आएगा। देखते हैं जितना भी है हमारे आसपास, जितना भी है ठीक ठाक ही है। देखता हूँ इसके अंदर क्या मिलेगा। दिख ही नहीं पाएगा ठीक से, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। यहाँ पे ब्लू एंड येलो मैकाओ, ब्लू एंड येलो मैकाओ। तुम लोग है किधर भाई? मैकाओ की कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर छोटा सा दो गोल्डन फिशन। उतना मेरा गोप्रो तो ज़्यादा जूम नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तू मुर्गी रखा है यार, केज पे मुर्गी क्यों? रेड जंगल फॉल मुर्गी रखा हुआ है। ये भी कोई जू होता है क्या यार? जू पे मुर्गी है? मैं उतना तो अगर इसका रेटिंग दे दूँ, रेटिंग तो नहीं हो सकता, बट ठीक है वन टाइम विजिट के लिए ठीक ठाक है। पर बीच बीच में आपको कचरा फेंकने की चीज़ें मिलेगा, इस तरीके से आप फेंक सकते हो। कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे, बहुत कूल सा नज़ारा है। अभी के लिए 55% चार्ज है मेरा, ठीक है। बहुत ही अभी इतना चार्ज तो ख़त्म ही नहीं होगा, उतना कुछ दिखाने लायक नहीं है। लेकिन बांग्लादेश में मैं जो जू पे गया था वो वाला बहुत मस्त था भाई, बहुत ही मस्त था। इतना कुछ था क्या बताऊँ। गाइस यहाँ पर एक छोटा सा दुकान बैठा हुआ है, आपको पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, तो अभी हम लोग इसके अंदर घुस लिए हैं। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक केज है, लेकिन केज के अंदर क्या है पता नहीं। इतना गर्मी में पागल हो जाएगा जो भी इसके अंदर रहेगा। Where are you, porcupine? अंदर। अरे मेरे ऑडियंस को दिखा दे यार कुछ अपना नज़ारा। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, घड़ियाल परिचिति। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सीसी कैमरा वगैरह है। तो यहाँ पर आप आके ऐसा किसी के ऊपर पत्थर या फिर कोई भी जानवर के ऊपर पत्थर वगैरह मत फेंकिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 rupees फाइन। डू नॉट थ्रो स्टोन्स एट घड़ियाल्स, फाइन 5000। सो यहाँ पर नो एंट्री है। गाइस वहाँ पर ना एक छोटा सा ब्रिज है, आप सामने जब जाएंगे आपको दिखाएंगे। टिकली जंगल में थोड़ा सा ठंड रहता है, लेकिन इतना घना जंगल नहीं है। मतलब कि आपको मैं बोलूँगा कि आप विंटर के टाइम पर आइए तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो छोटा सा एक पॉन्ड वगैरह है। गाइस इसके अंदर शायद कुछ है, लेकिन हम बैक साइड पे हैं, लेकिन हम अभी इसके लिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। गाइस यहाँ पर एक ब्रिज है, इसके अंदर से हम लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर एक जैसे आई लव जू लिखा हुआ रहता है, आई लव ये आई लव वो, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, रोशिक बिल मिनी जू। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर आके एक फ़ोटो की एक पॉइंट है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक फ़ोटो खींच लेता हूँ। तो गाइस ये वाला पॉइंट है रोशिक बिल मिनी जू। यहाँ पर जैसे एक फ़ोटो की एक पॉइंट होता है, आप यहाँ पर आके फ़ोटो खींच सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर एक सामने ब्रिज है, इस ब्रिज पे हम अभी जाएंगे। तो हम अभी जा रहे हैं इस ब्रिज से। बाप रे, तो
भाई ये वाला ब्रिज कभी अगर टूट जाएगा तो क्या होगा पता नहीं, कितना पुराना है वो भी नहीं पता। और यहाँ से नज़ारा देखो कितना सुंदर है। मैं उतना हाई क्रिएट नहीं करूँगा बिकॉज उतना मुझे खास नहीं लगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे अब ऐसा कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ से देखो लोग, तो इस बैम्बू पुल से हम आने की वक्त जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारा भाई टेम्परेचर हाई है और देख सकते हो कुमीर वगैरह की नामों निशान नहीं है। सामने देखते क्या क्या मिलता है मुझे। थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, 40 डिग्री के आसपास लग रहे हैं मुझे। तो कुछ ऐसा है वहाँ पर, बोटिंग वगैरह कुछ कहाँ पर करेंगे या नहीं करेंगे वो पता नहीं। अंदर देखो गाइस, पीछे बहुत सारे लोग आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अभी मौजूद। चीतल, फर्स्ट चीतल, हरिन है, हरिन देखो अंदर हरिन है। तो यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारा हरिन आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन मेरे पास उतना, मैं तो जूम नहीं कर सकता जब वीडियो करता हूँ। ऊपर अंदर बहुत सारा हरिन है आप देख सकते हो। बाप रे, ये तो बहुत सारा हरिन है, हरिन ज़्यादा है यहाँ पे। तो भाई अभी तक मेरा मुझे उतना खास नहीं मिला था, सिर्फ हरिन देखने को मिला। बाकी अभी देखते आगे आके क्या सीन देखने को मिलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सिस चीतल ग्रासलैंड डेंस सेमी एवरग्रीन डिश डिसीडुअस फॉरेस्ट। कुछ खाओगे? टेम्परेचर बहुत हाई है अब देख पा रहे हो, इसलिए बाल कटवा लिया था। बहुत सही जा रहा है अभी। गन्ने की जूस कौन कौन पीता है मुझे बता देना कमेंट पे। खुली आंखों से देख लेता हूँ, कूल नज़ारा है। देखो थोड़ा सा पॉज करके जूम करके देख लेना, देख लो। अभी अगर इसके अंदर जा सकते थे ना मज़ा आ जाता। बहुत हड्डी ना, लगभग 80 से 100 मिलेगा आपको हरिन यहाँ पे। दोस्तों इतना गर्मी में थोड़ा सा गन्ने की जूस पी लेता हूँ। सो गुड फॉर योर हेल्थ। उतना नहीं खाना चाहिए क्योंकि शुगर लेवल बहुत फटक से स्पाइक करता है। थोड़ा सा खा लो, लेकिन जब आपकी एनर्जी मतलब एकदम लो है तब आप खा ही सकते हो। खत्म। बाप रे, ये फील लेके नहीं खाते हैं हम, तो फील लेके खाते हैं। चलो थोड़ा सामने जाके मिलते हैं भाई। गाइस यहाँ पर लिपार्ड लिखा हुआ है, देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। लिपर्ड इज मेंबर ऑफ दी टाइ फैमिली ऑफ वाइट रेंज। कहाँ पर है, कहाँ पर है लिपर्ड? कहाँ पर है लिपर्ड? सोया हुआ है अंदर वो। अंदर आप जो एक छोटा सा घर देख रहे हो बीच में, उसके अंदर सोया हुआ है। इज वन काइंड ऑफ टॉर्चर। देखो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, जू पे जितने भी पशु रहते हैं, दिस इज़ वन काइंड ऑफ टॉर्चर मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ना उतना देखो टेम्परेचर कितना हाई है, इतना टेम्परेचर में बेचारा अपना केज के अंदर ही मरते रहता है। उसका ध्यान रखने वाला वो मतलब उसके वो कितना कैसा तकलीफ होएगा कैसा नहीं होएगा वो उसको मतलब किसी को बोल नहीं पाएंगे, जिसके कारण से मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन काइंड ऑफ टॉर्चर। वैसे मैं भी एक टॉर्चर, मेरा मैं और ये वाला बंदा टॉर्चर से गुजर रहे हैं। क्योंकि ना हवा है ना छाव है कुछ भी, धूप है सिर्फ धूप। क्या यार अच्छी। तो गाइस फिलहाल फिर से एक आइसक्रीम खा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही गर्मी है भाई। दोस्तों अभी देखो सामने ये वाला ब्रिज, यहाँ पे इस वाला ब्रिज से अभी जाएंगे, देखते हैं क्या सीन रहता है। बाप रे, धीरे संभाल के। तो अभी आप मेरे पीछे ये वाला ब्रिज देख रहे हो, आते वक्त इस वाले ब्रिज से आए थे।
फिलहाल अभी इस ब्रिज से जा रहा हूँ। संभाल के ब्रो। थोड़ा सा भाई, अरे भाई बहुत ही डेंजरस। विरुद्ध डेंजरस सामने गाइस, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पे उतना तो खास नहीं है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से आप फोटो खींच सकते हो गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हो साइन बोर्ड दिया हुआ है, दिस वन इज गुइशा, इसे गोशा बोलते हैं बंगाली में, वाराणसी, नो एंट्री, यहाँ पर नहीं जा सकते, इसे नो एंट्री। तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा वाला फील है, यहाँ पर एक पिक्चर खींचेंगे गाइस। आप ऊपर में देखो, पक्षी बुला रहा है, देखो कितना सुंदर आवाज़ दे रहा है, देखो वाओ। मतलब बच्चे लोगों के लिए सही प्लेस है, लेकिन अगर आप बहुत जगह घूम चुके हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत हाई है, तो आप उन लेवल तक मैच नहीं कर पाएंगे, उतना खास नहीं है। 10 में अगर रेटिंग में 10 out of 5 रेटिंग ठीक ठाक है, 4-5 इट्स ओके। तो आप जितना भी प्लेस देख रहे हो यहाँ पे, सबसे बढ़िया वाला ये वाला प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में पेड़ ज़्यादा है और छाव भी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ऊपर देखो ये कौन सी वाली पक्षी है पता नहीं, और ये वाला लोग मेरा लेक्चर सुन रहे थे, कोई नहीं। तो गाइस उतना कुछ खास नहीं था, सामने जो अभी गेट देख रहे हो, ये वाला गेट से आप आएंगे, यही वाला गेट से हम लोग आए थे, जाने से पहले कुछ ऐसा नज़ारा है भाई। तो आप आ सकते हो, ये यहाँ पर आने के लिए आप यहाँ से, अगर आप कुछ भी अर से आ रहे हो तो तूफानगंज की गाड़ी पकड़ के, तूफानगंज उतर के फिर वहाँ से अलग से गाड़ी करके आप आ सकते हो, टोटो फोटो ऑटो जो भी मिलता है यहाँ पर, नहीं तो आप बाइक वगैरह जो है, बाइक नहीं तो आप फोर व्हीलर वगैरह में आ सकते हो। और एक रामपुर करके, एक कुछ भी टू रामपुर एक बस मिलेगा आपको, उस बस में इस रूट से जाते हैं वो वाला बस, तो आप उस रूट से भी आ सकते हैं। कामाख्यागुड़ी रामपुर कार जो है, तो उस वाले बस से आप आ सकते हो, ज़्यादा पैसे नहीं लगेगा। और अगर आप बाइक पे आएंगे तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगेगा। तो हम यहाँ से शुरू किए थे, यहीं पे आके ख़त्म होता है ये जगह, थोड़ा सा टॉर्चर वाला फीलिंग है, बट इट्स ओके, देखना था देख लिए है, हरिन देखने को मिला, दैट्स इट। तो गाइस कुछ यही था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो भाई। तब तक के लिए खुश रहिए, आवाज रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला सीरीज़ मेरा कर्शियंग दार्जिलिंग का होने वाला है। आई होप सब आपको, आप सबको मज़ा आएगा, ये वाला बंदा जाएगा कि नहीं पता नहीं, आई होप सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।